Ayan Namaha Saraswati Devi Namaha Kaumate Shwari Namaha Sarvibhyo Pitribhyo Namaha. हम पितृ देवता का पूजन क्यों करते हैं? पितृ देवता से हमको लाभ क्या है? पितृ देवता का पूजन किसने किया है और क्यों किया है? हमारे पुराणों में ऐसा प्रसंग आता है, महाराज भगीरथ के पितृ 60,000 पितृ कपिल मुनि के कुदृष्टि से जल करके भस्म हो गए थे और उनको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ था। जब भगीरथ राजा को पता चला कि हमारे पितरों का उद्धार नहीं हुआ है और किसी ऋषि के श्राप से भस्म हुए हैं, पता लगाया तो पता चला कपिल मुनि के आश्रम पर जो है वो सारे कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए पड़े हैं। राजा भगीरथ ने मन में विचार किया और विचार करके अपने कुल पुरोहितों से सलाह किया, उनसे मशवरा लिया और विचार में ये आया कि जब तक गंगा जी धरती पर चल करके उनके पितरों के ऊपर से अपनी धारा को नहीं ले जाएंगी, तब तक उनके पितरों का उद्धार नहीं होगा। राजा भगीरथ तपस्या करने के लिए निकल पड़े, गंगा जी के नाम का जप किया और गंगा जी ने उनको जो है स्वप्न में बताया कि मेरी धारा को न तुम संभाल सकते हो न पृथ्वी पर कोई देवता संभाल सकता है, इसलिए तुम शिव जी की तपस्या करो। जब मैं आकाश मार्ग से चलूंगी तो शिव जी हमारी धारा को अपनी जटा में रखेंगे और छोटा सा अंश वो बाहर करेंगे, वही धरती के ऊपर मेरी धारा आएगी और वो धारा जिधर जिधर से आप चलेंगे उधर उधर से आपके पीछे चलेगी। जहाँ पर आपके पितरों की भस्म पड़ी हुई है आप उस जगह पहुँचेंगे तो हमारी धारा वहाँ पहुँचेगी। और गंगा जी कहने लगी जब मेरी धारा वहाँ पहुँचेगी तो जो है आप मेरी कृपा से आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा। और इसी प्रकार से भगीरथ जी ने गंगा जी का आवाहन किया और फिर भगवान भोलेनाथ शंकर जी का आवाहन किया, गंगा जी आकाश मार्ग से चल करके शिव जी की जटा में आई और शिव जी ने थोड़ा सा अंश गंगा जी का छोड़ा धरती के ऊपर, जो भगीरथ के पीछे पीछे गंगा जी आई और भगीरथ लेकर के अपने पितरों के उद्धार के लिए कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। जब गंगा जी की धार का जल उनके पितरों के ऊपर से निकला तो उनके पितर जो है उठ करके खड़े हो गए और राजा भगीरथ को आशीर्वाद दिए और कहा, राजा भगीरथ हम तुम्हारे से प्रसन्न हैं, आज तक तुम्हारा जो है वंश नहीं चला है, हम सारे पितर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम्हारा वंश चल जाएगा। और तब से जो है राजा भगीरथ का जो है वंश चल गया है और उनके वंश के वंश वंश के वंश चलते रहे हैं। जो पितरों का आवाहन पूजन करता है श्रद्धा भावना और विश्वास के साथ, पितृ देवता प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद देते हैं, उसके वंश की वृद्धि करते हैं, वंश बढ़ाते हैं और उसको संसारिक सुख दे करके हर प्रकार से आनंदित कर देते हैं। बोलो पितृ भगवान की जय। पितृभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ॐ देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगे नमः। स्वाय स्वधाय नित्यमेव नमस्तुते। पितृदेवाय नमस्कारानि समर्पयामि। देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगे नमः। स्वाय स्वधाय नित्यमेव नमस्तुते। सर्वेभ्यो पितृभ्यो तृप्यताम्। ॐ देवता पितृभ्यश्च महायोगे नमः। स्वाय स्वधाय नित्यमेव नमस्ते। सर्वेभ्यो पितृभ्यो तृप्यताम्।